नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ मरित तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम का भव्य स्वागत किया गया है। बाबा दोस्त स्वदेश लौटी टीम इंडिया। खराब मौसम की वजह से दो दिन बाद टीम लौटी है। पीएम मोदी से मिलेगी टीम इंडिया। पीएम मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करेगी टीम। दोपहर 12 बजे के बाद मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी टीम। मुंबई में शाम को रोड शो भी निकाला जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी दे रही है। आपको बता दें कि टीम इंडिया जो कि भारत लौट चुकी है, स्वदेश लौट चुकी है, लोग वहां पर एयरपोर्ट पर बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और रात से ही वहां पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था कि टीम इंडिया कब पहुंचेगी भारत और कब उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि टीम इंडिया के नाम के जयकारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ और उत्साह के साथ में टीम इंडिया का स्वागत किया गया है। वहीं रोहित के हाथ में ट्रॉफी भी दिखाई दी। उन्होंने अपने फैंस को वो ट्रॉफी दिखाई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ब्रेकफास्ट है पूरी टीम का। तो यहां से होटल से ब्रेकफास्ट के लिए रवाना हो जाएगी टीम और उसके बाद 12 बजे मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी टीम। तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 दिन से बाबाडोस में फंसी टीम इंडिया भारत लौट चुकी है। सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद टीम का काफिला होटल IDC पहुंचा। होटल में भारतीय टीम के लिए स्पेशल केक भी बनाया गया था। टीम करीब 11 बजे पीएम आवास पहुंचेगी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में ब्रेकफास्ट करेगी और इसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी यानी कि 12 बजे के आसपास। तो एयरपोर्ट पर फैंस अपने चहेते हीरोज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। इसके साथ ही वे सुबह 5 बजे से ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टीम के स्वागत के लिए खड़े थे। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया स्वदेश लौट चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट फैंस ने ग्रैंड वेलकम किया, जायजा लिया। न्यूज स्टेट संवाददाता ने देखी रिपोर्ट। वेस्टइंडीज की धरती से भारत को विश्व विजेता बनाने वाली पूरी क्रिकेट टीम जो है वो अब लौट आई है और ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में इस गाड़ी के पीछे आप फैंस का शोर से अंदाजा लगाइए। इस गाड़ी के पीछे आ रही है टीम इंडिया की बस जो आज प्रधानमंत्री से टीम मुलाकात करेगी दिल्ली में। मुंबई में जश्न होगा, बड़ा उत्साह होगा, वो तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया देखिए, टीम इंडिया जो है वो यहाँ आपको नजर आ रही है। दो बसें हैं, फैंस हैं जो आपको यहाँ नजर आएंगे और मौर्य शेरटन होटल जो है सीधा ले जाया जाएगा इनको। और उससे पहले की तस्वीर देखिए, आपको विराट कोहली सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। विराट कोहली जो दिल्ली का शहर, फिर कोहली, हार्दिक पांड्या, देखिए हार्दिक पांड्या जो है वो नजर आ रहे हैं। विराट कोहली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राहुल द्रविड़ है उनके पीछे, बाकी तमाम खिलाड़ी भी यहाँ पर, विक्रम राठौर आपको नजर आ रहे हैं। ये खिलाड़ी जो कोहली हाथ हिलाते हुए फैंस का अभिवादन करते हुए, और जब देखिए संजू सैमसन आपको नजर आ रहे हैं, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं टीम बस में। और पीछे एक और बस जिसमें देखिए आप केएल राहुल बैठे हैं, परिवार है, परिवार है, बुमराह अपने परिवार के साथ है यहाँ पर। देखिए बुमराह अपने परिवार के साथ धर्मपत्ती से बात करते हुए, यहाँ पर कोचिंग स्टाफ है, उनका परिवार है। और अर्शदीप आप देखिए, अर्शदीप जो है वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। पाजी ने हाथ हिला के अभिवादन किया है और फैंस में जोश देखिए, फैंस में जोश देखिए, झलक देखने को मिली आज उन्हें। आप बताइए झलक देखने को मिली आपके पास? कवर एक लॉज देखिए, जोश देखिए, जोश देखिए। विराट कोहली को देख के मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने मेरे तरफ हाथ देके भी उन्होंने मुझे हिलाया। मैं तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आप देखिए, अगर आप देखें तो ये देखिए फैंस का जमावड़ा देखिए, तस्वीरें देखिए, खुशी देखिए यहाँ आपको नजर आ रही है। सभी तमाम जो फैंस है वो बस के पीछे पीछे जाते हुए, अगर आप ऊपर देखें तो वहां पर अपने जो फेवरेट प्लेयर्स है उनका अभिवादन करते हुए प्लेयर्स यहाँ पर फैंस नजर आ रहे हैं भागते हुए, बस के पीछे भागते हुए फैंस आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो फैंस हैं जिनको विश्व विजेता बनने की खुशी है, विश्व विजेता बनकर ये लौटे हैं और अब जब है तो ये खुशी आएगी आएगी। और ये तमाम फैंस अभी भी बताइए कितनी, अपने खिलाड़ियों को देखा आपने? अरे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, टीम को देख करके पूरा गौरवान्वित हो रहा हूँ, टीम के देख के बहुत मजा, इतना मजा आया, बहुत मजा आया। मिस्टर डिपेंडेबल की झलक मिल पाई आप लोगों को, देख पाए राहुल? अरे जी भाई साहब मौज आ गई जी, एकदम बिल्कुल एकदम। हाथों में पोस्टर है मिस्टर डिपेंडेबल के और खुशी है, ये जश्न है जीत का, विश्व विजेता बनने का, ये जश्न है अपने आप को दुनिया में परचम लहराने का। और देखिए एक बार फिर
यहाँ जो है जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है, जो तिरंगा है वो लहरता हुआ नजर आ रहा है, यानी जोश में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। और जो तमाम फैंस हैं वो यहाँ पर खुशियां मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से ये फैंस आए हैं और तिरंगा लहराते हुए ये फैंस नजर आ रहे हैं। खुशी है इनके अंदर, खुशी इस बात की कि टीम इंडिया पहुंची है। अपने पसंदीदा प्लेयर को किस किस को देखा आपने? मैंने अक्षर पटेल, ऋषभ पंत सबको देखा, बहुत बहुत मजा आया। हम 2 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे थे, इतना मजा आया ना बता नहीं सकता। 2 बजे से आना सफर? हाँ जी, बिल्कुल। विराट कोहली बिल्कुल आंखों के सामने थे हमारे, विराट कोहली, हर्षदीप सिंह सारे इस साइड थे, तो हमें सब विराट कोहली बिल्कुल सामने से दिखे, इतना मजा आ गया। मुझे 2 बजे जो पहुंचे थे मजा आ गया, बहुत मजा, बिल्कुल जोश देखिए, वो तिरंगा देखिए, और यहाँ पर लहराते हुए जो हाथों में फ्लैग्स लिए हुए तमाम लोग देखिए जो पहुंचे थे यहाँ पर, उनका आप बताइए कौन कौन से प्लेयर को देख पाए आप लोग? विराट कोहली, बुमराह, हर्षदीप। कितने बजे आए थे? अभी आए हम तो 5 बजे से यहाँ, 5 बजे से आए थे, लग रहा है 5 बजे आए थे तो पूरा वसूल हो गया टाइम आपका। हाँ, किस किस प्लेयर को देखा? हर्षदीप सिंह, विराट कोहली। तो ये जिन प्लेयर्स को देखने आए थे उन प्लेयर्स को देख पाए, इसी बात की इनको बहुत खुशी है। और जो है आप बताइए, आप कह रहे हैं मजा आ गया, किस किस प्लेयर से मिले? सर हमने मिले तो नहीं, खैर, बट रोहित शर्मा को देखा, विट ट्रॉफी, जिन्होंने हमारे सपने पूरे किए हैं उनके लिए एक रात जागना बन गया, हमें उन्हें देखने मिल गया। रात जागे? हाँ जी बिल्कुल, कोई 1 मिनट नहीं सोए सर। जिन्होंने 13 साल से जो सपना था उन्होंने पूरा किया, तो उससे ज्यादा क्या हम बोल सकते हैं। सपना था वो पूरा हो गया है, और सपना इसलिए पूरा हुआ क्योंकि मेहनत की खिलाड़ियों ने, सपना इसलिए पूरा हुआ क्योंकि बेशक धरती अमेरिका की हो या फिर वेस्ट इंडीज की, भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि टीम इंडिया में दम है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ मोहित बख्शी।